दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग वीडियो ऑन यूट्यूब, सो कुछ कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अनायशा, गाड़ी खराब हो गई, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आचो? गाड़ी खराब हो गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्लैपिंग करते हैं। अच्छा, वहाँ देखें। अच्छा, कह रहे भैया ने नहीं? हाँ भैया ने, तो बताइए कि यहाँ गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, कुछ भी आ सकता है। साइमन तो वैसे गो बैक हो गया था। कौन सी ये जो हाथी देख रहे हैं चलता हुआ बाहर, ये राजा जी नेशनल पार्क के बाहर दिखा था, तो आप इस गाइड में आगे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं राजा जी नेशनल पार्क के साथ। अभी हम जाएंगे जंगल सफारी और आपको भी कराएंगे जंगल सफारी। अब हम जा रहे हैं सफारी के लिए। राजा जी नेशनल पार्क दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हमारी गाड़ी है, ये तो 1306 है, ये रही हमारी गाड़ी 2639 रॉयल स्पेशल गाड़ी। राजा जी नेशनल पार्क जा रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क सफारी के लिए। हेलो, ज्योति भी है हमारे साथ, अनायशा भी है। ये देखिए ज्योति को, अनायशा को, अनायशा ने मुंह बना रखा है। ये कुनाल नई टोपी खरीदी है 90 रुपए की। ये हमारी वाइफ है हमारे साथ, तान्या जी, सुपरस्टार नू। चलिए अब आपको हम आगे का नजारा दिखाते, देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। पीकॉक दिखा जी, पहले आते सार पीकॉक दिखाया मैं। आगे बैठना भाई। ये सारे कट्ठी जा रही थी ना, तो मैं बोला सारे कट्ठी चलेंगे सारे। आपके पास खींचे खींचे जाने, कोई गल नहीं, खींचेगा यार। आप ही खींचेगी ना, तो हाथ पड़ेगा दर्द। आगे कर लो। दिखता हुआ ₹3050 छठे गु में डालते हुए। और हमें यहाँ कुछ भी नहीं दिखा और ₹3000 हमने छठे गु में डालते हुए दिख गया कुछ अभी देख रहे हैं रिएक्शन। हाँ ध्यान से देखिए, ये है डियर, बच्चा भी है। बच्चा थोड़ी सी आगे करना ले भाई, थोड़ी सी आगे कर। बस भैया, शूलिन जाना है, उसका रास्ता यहीं से है क्या? शूलिन जाना है, शूलिन जंगल लॉज। अरे जगह का, अरे यार क्या पता यार, तू पूछेगा ली में रिटर्न जाना है भैया। शूलिन जंगल लॉज भैया, एक होटल है वहाँ पे अंदर जंगल, शूलिन के नाम से होटल है वो उधर पड़ेगा आपको, गंगा की मंदिर। हाँ
है हाँ जी नहीं भैया मैं तो किराए के लाया हूँ। हेलो हाँ जी, अगर आप राजा जी नेशनल पार्क आते हैं तो आपको यहाँ की एक चीज़ बड़ी सही बताता हूँ, यहाँ पे आपको बारगेनिंग बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ के प्राइसेस बिल्कुल फिक्स है। जीप 2450 रुपीज़ के पर फेयर है, एंड उसके बाद 150 रुपये पर पर्सन, अगर आप 6 हैं तो उसके हिसाब से उसके आगे लगेगा। सो यहाँ पे ये चीज़ का आपको बहुत सही रहेगा, फेयर का बिल्कुल फिक्स है। आगे देखते हैं और कुछ हमें कुछ मिलता है, अभी तक तो कुछ एक डियर दिखा, वो भी छुपा हुआ था, मिला नहीं कुछ। भाई भी सोच रहे हैं, कुणाल आप परेशान लग रहे हैं, कुछ क्या हो गया आप? मैंने पैसे दिए थे ना कि शेर दिखेगा और धूप भी बहुत तेज है। अच्छा शेर दिखा नहीं, उन धूप दा की करिए ऐसी कि मतलब उन मुक्की में पैसे खिलाइए। चलिए आगे औरों से पूछते हैं, औरों को कैसा लग रहा है? ताने जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो ठीक है, कोई जाना दिखा नहीं वैसे हमें। पूरी पूरी प्लानिंग चाहिए साढ़े पैसे पूछ पाण वास्ते, कह रहे नहीं दिखा, वो तो घर में भी नहीं बिकता सी, तो ऐसे की करना आए तुम? यहाँ पैसे दिए कि कोई जानवर दिख जाए। अच्छा। अभी तक एक भी नहीं दिखा मोर के अलावा। और आप उससे बहुत खुश हैं कि नहीं दिखा अभी तक? नहीं खुश नहीं, पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं हमें। डूबते हुए नजर आ रहे हैं, पेटीएम का शेयर थोड़ी है वो। अच्छा ज्योति जी आपको कैसा लग रहा है? बस धूप है और कोई बात नहीं है। कर ले कोई जुगाड़ की पैसे खिलाइए सूरज न। नाइशा जी अच्छा दूध पी रही है नाइशा जी। और वहाँ से एक और गाड़ी आती हुई, अभी दिखाते हैं आपको। अभी हमारी यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है बीच जंगल में, देख सकते हैं खराब हो गई। तो भैया से अभी हमने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, और भैया ने बड़ा खौफनाक जवाब दिया है। वो कह रहा है पहले मुझे पता चल जाए कि हुआ क्या गाड़ी में, तब बताता हूँ क्या कितना टाइम लगेगा। अगला सवाल हमने भैया से पूछा कि अगर सामने से शेर आ जाए तो क्या करोगे, कह रहा है कुछ नहीं गाड़ी रोकनी पड़ती और कुछ नहीं। हमने कहा भैया शेर आ जाए सामने आए तो कुछ बंदूक वंदूक रखते हो, कह रहा हाँ जी रखते हैं। हमने कहा दिखाइए, कह रहा यहाँ नहीं है दूसरी गाड़ी में। तो बहुत ही अनसेफ फील करते हुए, जिंदा रहे तो वीडियो दिखा देंगे। अनायशा गाड़ी खराब हो गई, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गाड़ी खराब हो गई आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्लैपिंग कर दो नाचो। अच्छा वहाँ देखें, अच्छा कह रहे उतर के नीचे उतर जाओ आप। गाड़ी उतर के तो बैठा के नीचे उतर। गाड़ी रिज्यूम होती हुई, दूसरी गाड़ी बदली है। करीबन एक घंटे के बाद हमारी दूसरी गाड़ी आई है। ये जबड़गढ़ पे चील है ये, अभी बच्चा है। क्या मूड में आते हुए अभी गिद्ध का बच्चा दिखा था अपने सात साल दोस्त, तेरे तरह दिख रहा है। कौन किसके तरह दिख रहा था भैया? आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे ये। अच्छा ये ऐसे लग तो नहीं रहे, बट आप कह रहे थे हम मान लेते हैं। हाथी है? हाँ हाँ हाथी है भाई। अच्छा चलो कैमरा में लेके आखिरकार हिरन दिखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं।
कुनाल नहीं बना रहा कोई वीडियो, बना तो मैं देख लूंगा, चलो 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 भैया चलो, वीडियो है तो बना रहा वीडियो। शिवम जी ने एक नई बात बताई है, नोट कर लेना, ये आप नोट करिएगा, राजा जी आने से पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पे यहाँ के हाथी डेंजरस हैं राजा जी नेशनल पार्क के, तो अगर मेल हाथी होता है तो गाड़ी देखते ही गाड़ी पलटा देता है, मेल हाथी होगा तो गाड़ी पलट देगा, और अगर फीमेल हाथी होगी तो नहीं पलटेगा, अगर फीमेल हाथी अगर ग्रुप में होगा तो वो घेर के मारती है वो चप्पलों से और दांत होते नहीं उनके, फीमेल आती के तो ऐसे मारती है वो, तो हमने उनसे पूछा ही आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, कह रहे हम पहले बताते आप अंदर आते, कह रहे ड्राइवर को ज्यादा पीटती है, ड्राइवर को ज्यादा पीटते हो, तुम जो बाहर अपने सिर निकाल के बैठे हो ना फोटो खींच रहे हो, सबसे ज्यादा तुम्हारा फोन खींचेगी सूंड से अपनी, वो फेंकेगी वहाँ पास साइड पे, फिर घेर के मारेगी ठप ठप फोन लेके MMS बनाता है, हाँ फिर हाथी ग्रुप में भेजता है वो। भैया ने एक और बात बताई हमें, भैया ने तो बताइए कि यहाँ गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, कुछ भी आ सकता है, खतरा बहुत है जगह जगह पे, खतरा है, और हम अपनी जान का रिस्क लेके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे गाड़ी से नीचे उतरना बहुत बड़ा पाप है, खतरे से खाली नहीं है, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी एक पत्ता हमारी गाड़ी में आ गया, और वो भी ऊपर से ऐसे नहीं कि नीचे से ऐसे लहरता हुआ आए और गाड़ी में आया, ऊपर से एक जंगली पत्ता सूखा हुआ किसी की आंख में लग सकता था, काना हो सकता था, अब जैसे मेरी टोपी उड़ गई, इसकी टोपी के सिर का ऊपर का उड़ के सिर आगे आगे का बचा, फ्रंट का रह गया ऊपर का उड़ चुका है, की टोपी थी 90 की रहेगी, और तो मेरी तो पूरी की पूरी 180 वाली की 200 वाली उड़ गई है, बाल है बस असली है तो बचे हुए, नहीं तो वीक होता तो उड़ चुका होता। और आप कुछ बताना चाहेंगे और कुछ यहाँ पे 3,050 रुपये मत खर्च करना, हो सके तो हमें दे देना, हमने तुम्हारे पैसे बचाए हैं, हम आधे पे भी मान जाएंगे, हाँ ऐसा करना 1,000 रुपये में 2,000 रुपये में मान जाएंगे हम, साइड बच गए, हाँ जी साइड बच गए, पीछे वालों को पीछे है कौन, पहले ये बताएं पीछे है कौन? भाई वो आगे नहीं निकलने चाहिए, नहीं हमें इतना कोई और अच्छा आपको ये भी दिखाते हैं जगह कितनी बड़ी है, ये जो कह रहे हैं पीछे ना निकलने दीजिए, नहीं आगे मत निकल रहे, जैसे हम वही गलियों से निकल रहे हैं, जैसे कंजेस्टेड गलियां भाई, टेढ़ी गाड़ी करके रास्ता बंद कर दूंगा, भाई मैं कह रहा हूँ तेज भगा लियो उसका दरवाजा तोड़ दे, पता चला भैया क्या अपना नाम बताए, नाम हरीश है, अच्छा और अब तो हमारी आदत सी हो गई, नहीं पहले पूछने दो आदत किस बात की हुई है, अरे भैया आप तो डायलॉग पहले बोले जा रहे हो, हमें क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे हैं, फुल टेंशन में, ये देखिए ऐसा है कि देखिए पहली बार मालिक का नंबर हो तभी तो उसको बताएंगे कि किसको परेशानी है, देखिए हमारे पहले एक गाड़ी खराब हुई, एक दूसरी गाड़ी खराब हुई, तीसरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, चौथी गाड़ी हेरी, तो भैया ये गाड़ी आज ही खराब हो रही है या रोज का काम है, ये तो आदत सी हो गई है, रोज का काम है गाड़ी चलेगी तो गुस्से बीच किन्ना है, भाई ने ये जनरल आंसर दिया, बिल्कुल खराब होगी तो मालिक काम नहीं करवाता है, और मतलब अब आपको एक आदत किस बात की, आदत सी रोज ही आदत है हमें एक दूसरे को अपने साथ लटकाने की, अच्छा सही बात है, खराब हो जाती है तो यही करना पड़ेगा, सही बात है सर, ऐसा वेट नहीं कर सकते इतना, हाँ जी हाँ एडजस्ट करना पड़ता है, एक हमारा हमें 20 मिनट वेट करा के बैठा है यार, बोलना पड़ेगा 40 मिनट यार, सही बात है, अरे राम रे, तो 10 मिनट भी नहीं लगे, बैठ गई
नहीं 10-15 मिनट तो भाई ने बहुत कोशिश करी कि वो बैटरी चार्ज कर ले, फ्यूज लगा ले, स्टार्ट कर ले। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो? नहीं लगा मेरे को आपने बिल्कुल ऐसे लीडर की तरह बात की आज। करें स्टार्ट भाई, करें स्टार्ट करें आप। हरि जी आप तो कुछ ज्यादा ही लटक गए हैं, आप जो है चलाए। मजा आ रहा है, आज लटक के जा रहा ना, चला नहीं जा। अपनी गाड़ी जैसे घुमाने लाता तो क्लाइंट को दे देना, तुम चला में बैठा। नहीं बात बचा ली, और ये भैया के मुंह से सुनाएंगे हम। अरे बताइए भैया, बताइए बताइए। अरे अरे बताइए ना भैया। नहीं नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं। अरे नहीं, अरे बोला तुमने, नहीं बोला इन्होंने, बता तुम दो यार। जानना चाहती है आगे जो पीछे। अरे बताओ ना यार, मैं दिल्ली जानना चाहती है आपसे यार कुछ। चलिए छोड़िए, हम भी बता देते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ एक गड्ढा आया था, वहाँ पे गाड़ी पलटा दी। अरे ऐसे नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड फ्रंट कैमरा। अरे तू बोलना। अरे एक दिल दहलाने वाली घटना हम बता रहे हैं, कुणाल जी की जुबानी बताइए। हाँ, ये आज से पूरे 4 घंटे पहले की बात है। एक हाथी थोड़ा सा घबरा गया था गाड़ी देख के, तो उसने गाड़ी बैक करने बंदा अटक रहा है। तो गाड़ी बंदा रिवर्स एकदम, हाथी आगे आ गया और ड्राइवर गाड़ी रिवर्स कर रहा था। हाथी थोड़ा बैक कर रहा था, हाथी बैक कर रहा था, गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही थी। मतलब कोई ना कोई रिवर्स हो रहा था यार। हिरन है, हिरन है यार, कुछ है यार, कुछ है। ये भाई तुम्हारे लिए कह रहा था, हिरन दिखता तो ड्राइवर था। ये रहा, ये रहा इंसान। दूर की गर्दन ना अलग ही दिख जाती है सर, हिरन की। अच्छा, क्या दिखती है? गया ना वो गड्ढा नहीं लाता है। वीडियो बना रहा है, क्या बात है। कहाँ गया? अपलोड मत करना सर कहीं। अरे नहीं नहीं कर रहे, रोक रोक रोक। सॉरी, शेर आ गया था, हिरन आ गया, कुछ आ गया था। अब कोई रिवर्स हो रहा था, चाहे गाड़ी रिवर्स हो रही थी या हाथी रिवर्स हो रहा था। शेर था वो, थोड़े सिंह थे उसके। तो उसी वक्त हाथी ने गाड़ी पलटा दी, ठीक है। तो और चारों टायर ऊपर हो गए थे ऐसे करके। कैसे करके? ऐसे करके। वो जो पैसेंजर जो गिरे थे वो मरे नहीं, तो उनके हाथ पैर टूट गए थे। अरे क्या यार, ऐसे थोड़ी बता रहा था। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। पैसेंजर ऐसे अंदर दब गए अंदर। तो हमने पूछा कि वो मर गए क्या? नहीं, बस हाथ पैर टूटे थे। हमने ड्राइवर का क्या, ड्राइवर का पता नहीं, ड्राइवर खत्म होता हुआ। तो हम भी वही कहेंगे जो सब कहते थे, इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट इन द राजाजी नेशनल पार्क। वी नॉट एबल टू सी इवन अ सिंगल टाइगर और लेपर्ड और एनी एलिफेंट। हाँ, आप कुछ बोले? आई जस्ट वांट टू से साइमन गो बैक। साइमन तो वैसे ही गो बैक हो गया था। कौन सी? देर आर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट इन राजाजी नेशनल पार्क। इफ यू वांट टू सी द वाइल्ड लाइफ लाइक टाइगर, लेपर्ड, एज वी आर नॉट एबल टू सी इवन अ सिंगल लेपर्ड और एलिफेंट। If you want to take such photography, then do visit there. And thank you for watching this video and do subscribe my channel.